यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की भूमि से विशेष रूप से आपका अभिनंदन करने के लिए मैं आपके बीच आ रहा हूं। भाइयों बहनों, जो उत्साह आप सबने यहां दिखाया है, यह उत्साह हैदराबाद में आपके पूर्वजों ने 1946 से 1948 में निजाम शाही के खिलाफ जो अभियान चलाया था, उस अभियान को देश के एकता और अखंडता के प्रतीक सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नेतृत्व में आपके पूर्वजों को जो सफलता प्राप्त हुई, थी उसी का परिणाम है कि निजाम और उनके जो सरप्रस्त थे उनके द्वारा इस हैदराबाद को पाकिस्तान में शामिल करने या अलग अस्तित्व बना करके इस देश के नागरिकों को यहां पर आने के लिए वीजा की आवश्यकता पड़े, परमिट की आवश्यकता पड़े, इस प्रकार की साजिश को यहां के नागरिकों ने और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नेतृत्व में जो एक आंदोलन प्रारंभ किया था, उसकी परिणति है कि आज हम सब यहां पर स्वतंत्र रूप से एक भारत श्रेष्ठ भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी की परिकल्पना को साकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ही और राजनीतिक पार्टी है जो यहां पर शहीद हुए उन पैतालियों का भव्य स्मारक बना करके इस नगर को एक बार फिर से भारत के नगर के रूप में बदल करके इसका भारत बनाने का कार्य कर सकते हैं। जो लोग आज भी निजाम शाही के पद चिन्ह का अनुसरण करके यहां के नागरिकों का शोषण कर रहे हैं, यहां के विकास को बाधित कर रहे हैं, यहां पर भ्रष्टाचार फैला करके यहां के आम जन की भावनाओं को रोकने का कार्य कर रहे हैं, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव उनको जवाब देने के लिए आप सबके पास एक अवसर के रूप में आया है। आप सब जानते हैं देश के अंदर किस प्रकार का परिवर्तन देखने को मिला है। ये परिवर्तन हर एक क्षेत्र में हम सबके सामने स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। याद करिए 1952 में कश्मीर में कुछ लोगों ने आर्टिकल 370 लागू करके शेष भारत के नागरिकों के लिए परमिट व्यवस्था लागू करने की चेष्टा की थी। तब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में भारतीय जनसंघ ने इस लड़ाई को लड़ा और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस सपने को साकार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में गृहमंत्री अमित शाह जी ने जब कश्मीर से धारा 370 समाप्त करके हैदराबाद और तेलंगाना के नागरिकों को भी यह पूरी स्वतंत्रता दी कि आप भी जाकर के जम्मू कश्मीर में जाकर के अपने लिए आवास और अपने लिए जमीन खरीद सके और आप भी वहां के नागरिक बनकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार कर सकते हैं। भाइयों बहनों, अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए तेलंगाना से और हैदराबाद से भारी संख्या में कार्यकर्ता गए थे। आपके पूर्वज लगातार आंदोलन करते रहे,
कुछ लोग थे जो आपकी आस्था का अपमान करते थे और वे हर प्रयास कर रहे थे कि किसी भी स्थिति में अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग न प्रशस्त हो। उनका एक ही प्रयास था, लेकिन हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के 492 वर्षों में जो कार्य नहीं हो पाया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने शांतिपूर्ण तरीके से अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करके एक बार फिर से राष्ट्र गौरव के लिए हम सबको एक अवसर प्रदान किया। और यही नहीं, नारी गरिमा के प्रतीक को भी सम्मान देने के लिए, आधी आबादी को सम्मान देने के लिए, ट्रिपल तलाक की कुप्रथा को समाप्त करने का कार्य भी किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भाइयों बहनों, मैं पूछना चाहता हूं टीआरएस की केसीआर की सरकार से कि आखिर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ तेलंगाना में और हैदराबाद में यहां के गरीबों को क्यों नहीं मिल पाता है? भाइयों बहनों, यहां पे केसीआर की सरकार को 6 वर्ष हो गए, तेलंगाना बने हुए 6 वर्ष से अधिक हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में मात्र 3 वर्ष में हमने 35 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया है। 35 लाख नागरिकों को वहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना की सुविधा मिली है। और उत्तर प्रदेश की आबादी 24 करोड़ लोगों में से 10 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर भी प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण राज्य सरकार ने प्रदेश के अंदर प्रत्येक नागरिक को देने का कार्य किया। मैं पूछना चाहता हूं केसीआर की सरकार को, हाल ही में यहां हैदराबाद में बाढ़ आई थी, अगर प्रधानमंत्री मोदी जी देश के अंदर 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का 6000 रुपए सालाना डीबीटी के माध्यम से ऑनलाइन उनके अकाउंट में डाल सकते हैं, तो फिर हैदराबाद के अंदर बाढ़ पीड़ितों को दी जाने वाली राशि उन गरीबों के खाते में सीधे क्यों नहीं जा पाई है? ये भ्रष्टाचार फैलाने की छूट और नोट कसोट की छूट यहां पर आखिर क्यों दी गई? भाइयों बहनों, ये चीजें इस बात को बताती हैं, जिस हैदराबाद के सामने विकास की अपार संभावनाएं थी, आज उन सपनों को दूर दूषित करने का कार्य कर रहा है यहां पर एक परिवार और उनकी मित्र मंडली। ये भाइयों बहनों, कोई संदेह नहीं होना चाहिए यहां पर किस प्रकार से यहां पर एक परिवार के द्वारा कैसे लूट खसोट करके एक तरफ आपके पूर्वजों ने निजाम शाही के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी थी और निजाम के रूप में एक परिवार फिर से आकर के इस पूरे तेलंगाना और हैदराबाद में लूट खसोट का एक नया जरिया बनाने का दुस्साहस करे, ये स्वीकार नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में परिवारवाद के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र में किसी भी प्रकार की दुर्व्यवस्था के लिए जगह नहीं होनी चाहिए, जो एक सामान्य नागरिक को के अधिकार पर कहीं ना कहीं कुठाराघात करता हो। लेकिन दुर्भाग्य से यहां पर यहां की टीआरएस की सरकार ने यहां पर उन्होंने एमआईएम के साथ एक गठबंधन करके यहां की जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। आप सोचिए, अभी हाल ही में बिहार विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ। भाइयों बहनों, बिहार विधानसभा का
संरचना संपन्न हुआ, जनादेश भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को प्राप्त हुआ। श्री नीतीश कुमार जी वहां पर फिर से मुख्यमंत्री बने। एमआईएम का एक विधायक बना, लेकिन उन्होंने जब संविधान की शपथ लेने की बात आई तो उन्होंने हिंदुस्तान बोलने से इनकार कर दिया। हिंदुस्तान के नाम पे शपथ नहीं ली। हिंदुस्तान में रहेंगे, हिंदुस्तान का खाएंगे, लेकिन जब संविधान की शपथ हिंदुस्तान के नाम पे लेने की बात आएगी तो हिंदुस्तान नाम बोलने में संकोच करेंगे। ये एमआईएम की असलियत को बताने का कार्य करता है। और भाइयों बहनों, यह आप अनुमान कर सकते हैं कि बिहार में एक विधायक उनका चुनाव जीतता है, वह इस रूप में अपमानित करने का कार्य करता है आप सभी को। लेकिन यहां पर तो उनके द्वारा सत्ता को जकड़ने का जो प्रयास हो रहा है, जिस प्रकार की धमकियां दी जाती हैं, क्या ये स्वीकार्य होनी चाहिए क्या? क्या ये विकास के लिए अनिवार्य है क्या? विकास अगर देखना है, 6 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर जिस प्रकार का विकास हुआ है, जिन गरीबों के पास शौचालय नहीं, स्वच्छ भारत मिशन के अंदर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जन्म जयंती 2 अक्टूबर 2014 से स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ हुआ था, हर गरीब को प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक एक पैलेट मुफ्त में देने का कार्य किया। जहां भी राज्य सरकार जितना ले जा सकती थी, उत्तर प्रदेश के अंदर 2,61,00,000 परिवारों को हमने एक एक पैलेट उपलब्ध करवाया। पूरे देश के अंदर 10 करोड़ लोगों को इस सुविधा का लाभ प्राप्त हुआ। 3 करोड़ गरीबों को देश के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया गया। 4 करोड़ गरीबों को सौभाग्य योजना के अंदर फ्री में इलेक्ट्रिसिटी का लाभ दिया गया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में पूरे देश के अंदर 8 करोड़ गरीबों को पूरे देश के अंदर एलपीजी सिलेंडर फ्री में देने का कार्य किसी ने किया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। और भाइयों बहनों, आपने देखा होगा कोरोना कालखंड के दौरान फ्री में राशन देने, वन नेशन वन राशन कार्ड की व्यवस्था का भी लाभ अगर किसी ने दिया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश के प्रत्येक नागरिक को देने का कार्य किया। हमारा नारा तो एक ही है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। सबका साथ सबके विकास के संविधान को आगे बढ़ाने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से आपके बीच आई है। और ये केवल यहां पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का ये चुनाव मात्र नहीं है, ये जनता की बुनियादी सुविधाएं, केंद्र और केंद्र सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का एक माध्यम बन सके, इस दृष्टि से एक बृहद अभियान का हिस्सा बनाने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी आप सबके बीच में इस हैदराबाद में आई है। ये चुनाव आप सब तय कर सकते हैं कि हैदराबाद में एक परंपरागत लूट कसोट को फिर से निजामशाही का पर्याय बनाने वाली, यहां पर एक परिवार और उनकी मित्र मंडली को लूट खसोट की आप छूट देने के लिए यहां पर एक फिर से उन्हें फ्रीडम देना चाहते हैं, या फिर मित्रों हम सबको तय करना होगा कि हैदराबाद को भाग्य नगर बना करके फिर से विकास की नई गुणवत्ता पर पहुंचाना है, जो हम सबको तय करना है। और मुझे बहुत प्रसन्नता है, मैं जानता हूं यहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ यहां की सरकार का रवैया कितना खराब है, कैसे वह यहां पर एक तरफ जनता के हकों को लूट खसोट करने का कार्य कर रही है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीड़न करने का कार्य भी एमआईएम के बहकावे में आकर
सरकार कार्य कर रही है, लेकिन हम सबको इसके खिलाफ एक नई लड़ाई लड़नी है। और इस नई लड़ाई के लिए आज आप सबके साथ कदम से कदम मिलाकर के चलने के लिए, आपके साथ जुड़ने के लिए मैं स्वयं भी मर्यादा पुत्रों भगवान श्री राम की स्मृति से आपके बीच में हाजिर हो चुका हूं। भाइयों बहनों, लोग मुझसे पूछ रहे थे क्या हैदराबाद भाग्यनगर हो सकता है। मैंने कहा क्यों नहीं, उन्होंने कहा कैसे। हमने कहा देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमने फैजाबाद को अयोध्या कर दिया। हमने इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया। वहां पे गंगा यमुना को पवित्र नदियां मिलती हैं, कुंभ का भव्य आयोजन होता है, हमने उसका नाम प्रयागराज किया। उसका वही पौराणिक नाम था। तो फिर इसका वास्तविक नाम भाग्यनगर क्यों नहीं हो सकता, अगर यहां पर यहां की जनता भाग्यनगर। मित्रों, कोई जाति मत और मजहबी व्यवस्था नहीं, ये सांप्रदायिक नाम भी नहीं। भाग्यनगर का मतलब संप्रीति का प्रतीक, यहां के विकास का प्रतीक, और भाग्यनगर बनाने की, इसको समृद्धशाली बनाने की, यहाँ के नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं देने की, यहाँ के नागरिकों को विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ने की प्रक्रिया का हिस्सा है। भाग्यनगर बनाने की प्रक्रिया का एक कार्यक्रम, और उस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए आज हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैंने आज यहाँ पर देखा, यहाँ की सरकार यहाँ पर एक नदी के अतिक्रमण को हटाने के कारण यहाँ पर लोगों को बाढ़ की त्रासदी का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। भारत नदी संस्कृतियों का देश माना जाता है, और भाइयों बहनों, नदी संस्कृति का देश होने के नाते आज नदियां दम तोड़ रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से उत्तर भारत में गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक अविरल गंगा, निर्मल गंगा के कार्य को सार्थक किया है। और मैं इस बात को कह सकता हूं, गंगा देश की एक बड़ी पवित्र नदी है, देवतुल्य नदी है। आज आप जाएंगे न केवल गंगा नदी में स्नान, बल्कि गंगा का जल आचमन करने लायक फिर से नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से हो गया है, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में आज वहां पर नमामि गंगे परियोजना का कार्य पूरी मजबूती के साथ कार्य वहां पर हुआ है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, एक नदी यहां पर भी है, लेकिन भाइयों बहनों, टीआरएस की सरकार उस नदी को और भी प्रदूषित करती है। उस नदी की अविरलता निर्मलता इसलिए नहीं बन सकती क्योंकि एमआईएम से जुड़े हुए लोगों ने वहां पर अवैध कब्जे करके यहां के नागरिकों को बाढ़ से पूरी तरह डुबोने की साजिश का हिस्सा बना करके कब्जा किया है। और टीआरएस और एमआईएम की मित्रता यहां पर इस पवित्र नदी की अविरलता और निर्मलता में बाधक है। और इससे मैं कह सकता हूं, ये जो नापाक गठबंधन यहां पर बना है, ये नापाक गठबंधन यहां के विकास को वृद्ध कर रहा है, जनता की बुनियादी सुविधाओं को लूट खसोट का जरिया बना रहा है। यहां पर हैदराबाद के बारे में जब चर्चाएं सामने आती हैं, यहां का प्रत्येक नागरिक परेशान है, व्यापारी परेशान है, किसी भी कार्य के लिए जिस तरीके से उन्हें पैसे की डिमांड होती है, विकास के कार्यों में लूट खसोट प्रारंभ होती है, इस स्वाभाविक रूप से इस बात को प्रदर्शित करता है कि यहाँ के सरकार और यहाँ का कॉरपोरेशन में जो लोग अब तक रहे हैं, इन लोगों का विकास और जनता की बुनियादी सुविधाओं से कोई लेना देना नहीं। और इससे भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ अपने चुनाव घोषणा पत्र के माध्यम से आपके बीच यहां पर उपस्थित हुई है।
कल भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जयप्रकाश नड्डा जी ने, जगत प्रकाश नड्डा जी ने आपके बीच आकर के यहां की जनता का आह्वान किया और कल देश के यशस्वी गृह मंत्री जी स्वयं यहां पर पधार करके एक बार फिर से आप सबका आह्वान करना चाहते हैं। और भाइयों बहनों, मैं भी अयोध्या का संदेश और उत्तर प्रदेश का संदेश लेकर के आज आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। मैं आप सबका आह्वान करूंगा, हमें एक भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के लिए, एक पारदर्शी और सुशासनपूर्ण विकास के लिए, एक अच्छा ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के गठन के लिए भारतीय जनता पार्टी को यहां पर भारी बहुमत से विजयी बनाने के लिए हमें आगे आना होगा। और भाइयों बहनों, इस अभियान में आप सबका मैं आह्वान करूंगा, क्योंकि संकल्प भारतीय जनता पार्टी का और उत्साह यहां के युवक में दिखाई दे रहा है, यहां के नौजवानों में दिखाई दे रहा है, यहां की बहनों में दिखाई दे रहा है, यहां के समाज के प्रत्येक तबके में दिखाई दे रहा है। ये उत्साह इस बात को प्रदर्शित करता है कि आप बहुत दिनों तक निदान साई के पिछलों को बने हुए लोग अब हैदराबाद में आगे चल नहीं पाएंगे। अब यहां पर भाग्य नगर के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हम सब मिलकर के आगे बढ़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी यहां के सौभाग्य के निर्माण के लिए आज आपके बीच में आई है। आप सबसे मेरी अपील है, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल का फूल, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव का चिन्ह क्या है? कमल का फूल, लोटस। भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे, मैं सचमुच आपने जो उत्साह दिखाया है इस उत्साह के लिए आप सबका आभारी हूं और मैं आप सबका आह्वान करूंगा। कोविड-19 के खतरों को देखते हुए अयोध्या में जब 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी जी ने शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न किया था, तब मेरी हार्दिक इच्छा थी, मैं पिछली बार माननीय मुरलीधर राव जी के साथ उनके पैतृक गांव में गया था और वहां पर मैंने देखा था कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने दंडकारण्य में किस प्रकार का जीवन व्यतीत किया था। और मेरी हार्दिक इच्छा थी कि उस समय मैं हैदराबाद से भी बड़ी संख्या में राम भक्तों को अयोध्या में आमंत्रित करूं और मैं आप सबका आह्वान करूंगा, जब 3 वर्ष के बाद अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण होगा, हम कोरोना पर भी विजय प्राप्त करेंगे और अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण के माध्यम से अपना जो संकल्प को पूरा करेंगे, जो देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी का मंत्र है, सबका साथ सबका विकास और सबका साथ और सबका विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, भाइयों बहनों, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में अच्छा प्रशासन दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के हवाले करिए और विकास को दिल्ली के माध्यम से सीधे आपके द्वार तक पहुंचाने का कार्य मोदी जी स्वयं कर देंगे। उसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आज तो आप देख रहे होंगे, आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोरोना कालखंड में जनधन अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से पैसा देने का काम किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में हर किसान के खाते में पैसा सीधे देने का कार्य किया। वहां पर ऐसा नहीं, मोदी जी तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से जनता को शासन की योजनाओं का लाभ देने का कार्य कर रहे हैं। अलग बात है केसीआर की सरकारें काम करने में विफल है, इस काम को नहीं करना चाहती।
क्योंकि उन्होंने गलत मित्र चुने हैं। एमआईएम को सांप लेकर के उनके द्वारा यहां की जनता को लूटने का जो कार्य हो रहा है, ये नहीं हो पाएगा। अवसर से ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन आता है और दिल्ली से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये पैसा डीबीटी के माध्यम से गरीबों के खाते में, चाहे वह आवास योजना का पैसा होगा, जनधन अकाउंट का पैसा होगा, किसी भी शासन की योजना का लाभ उन लोगों तक पहुंचाने का एक भारी कार्यक्रम आगे बढ़ सकता है। आपके सोशल पर जो उत्साह इस रोड शो कार्यक्रम में आप सबने दिखाया है, आप सबके प्रति मैं हृदय से आभार व्यक्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भारी समर्थन।